रंग बरसे भीगे चुनर वाले। भाभी क्या हुआ करीना बहन जी? क्या बात है भाभी, आप तो इतना तैयार व्यार हो गए, कहीं जा रहे हो? वो क्या है ना, हर साल होली की शुरुआत मैं अपने माँ के पैरों में गुलाल लगाने से करती हूँ, तो मन ने सोचा इस साल भी मैं चली जाती हूँ, उनसे मिलके आ जाऊंगी, इसलिए मालती माँ जी को ढूंढ रही हूँ उनकी आज्ञा लेने। ओ तो फिर पता नहीं मैं बताऊं या ना बताऊं। बता दो क्या हुआ। दरअसल ना वो पास वाली आंटी अभी अभी आई थी और पता है वो मामी जी को कितना सुना गई। क्यों? पूछ रही थी कि क्या बात है इस बार अहलावत खानदान की गुजिया गांव में नहीं बटी। कह रही थी कि गांव में तरह तरह की बातें हो रही हैं। अच्छा, मुझे तो बड़ा बुरा लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं ना, अभी गुजिया कौन बनाएगा, तो रहने ही देते हैं। आप तो कहीं जा रही है ना? ना, इब मैं कैसे जा सकती हूँ, यो गुजिया बनाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे जो है, आप टेंशन ना लो, मैं जल्दी जल्दी बना दूंगी गुजिया सारे गांव के लिए। हाँ वैसे ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, चलो चलो। हाँ चलिए। ले बर्दी मना तो मत दा। अरे माँ जी आप क्यों बना रहे हो, मैं बना दूंगी। पक्का? तो यो कसार मैंने तैयार कर दिया है, इसमें मेवे भी डाल दिए हैं, यो घी रखा है और यो मैदा, अच्छे से घी डाल के मैदे को गूंध लेना और ये कसार को अच्छे से भरना उसमें, नहीं तो मजा ना आएगा। जी बिल्कुल, आप परेशान ना होइए। हाँ हाँ मामी जी, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं, भाभी है ना, भाभी सब संभालेंगी, है ना भाभी? देख पड़ो इस बार कोई गड़बड़ ना होनी चाहिए, अपनी इज्जत का सवाल है, पूरे गांव में भिजवानी है गुजिया। चलिए हम लोग चलते हैं। ठीक है चलो भाभी। हाँ ठीक से बना लेगी, ठीक से बनाना। छोरे जरा। अरे माँ फिर खड़े हो गए, आपको बोला है ना आप बैठ जाओ, आप बात नहीं सुनते, बैठो आप। अरे कुछ नहीं हुआ हमारे को, ठीक से बैठो आप हमारी बात सुनो, आप बैठ जाओ। क्या बात होगी बताओ। सिरसा जा रहा से ना जी, तो गुजिया कोमल को दे दे और कहना कि मैंने सारे परिवार के लिए बनाया इसे, लगता है छोरी इस बार आ ना पाएगी। ले ठीक से माँ, ऐसे इस बार की होली दीदी के बिना होली ना लग रही है, हमारा का सारा घर सूना लग रहा है माँ। हमारा मन भी बहुत उदास हो रहा से, लेकिन के करे, छोरी घर के काम काज में व्यस्त से इस बार तो होली पे आ नहीं पाए, बस मारे हाथ के गुजिये खा लेगी ना तो मारे मन को शांति मिल जाएगी। जी। क्लास में मत ले जाइयो, कोमल तक पहुंचा दियो। माँ आप चिंता मत करो, ये गुजिया दीदी और दीदी के परिवार तक ना पहुंच जाएगी। ठीक से। अच्छा और आप ध्यान रखना अपना है? और ये आते वक्त मैं जूते ठीक करा लूंगा। ठीक से ठीक। अब ज्यादा चलना मत, आपके पैर में दर्द हो रहा है। अरे हाँ बाबा हाँ, ठीक से छोरे ठीक से। हाय राम। गुजिये गांव वालों के लिए भी मैं माँ से मिलती सू। इसने तो सारी गुजिया बना ली, मोटी है लेकिन आलसी नहीं है,
खैर कोई बात नहीं, क्योंकि करीना भी किसी से कम नहीं है, मेरे पास भी हर किसी चीज का तोड़ है। आ गए आप सब? ना अभी तो हम पंजाब में हैं। इसे बताओ दादी को हम आ गए ना आ गए। अरे राम, हाँ बेटा मुँह हाथ धो के चाय पानी कुछ पी ले, दूध ले लिए। अरे आ गई मारी पलटन है। पढ़ो बैठ जा। हाँ? हाँ। भाई तुम लोगों के बिना घर एकदम सुनना हो गया था। मेरे बिना हो गया होगा। अरे कोमल बेटा तेरी तबीयत तो ठीक से ना, कोई चोट वोट लगी है कि? जी वो मैं जम के होली खेली हमारी कोमल बहू ने तो, और खूब नची और सबने नचाया, और वहां दम दे के मंच पे गिरी थी। ये इतना सारा सामान कैसे? मामा जी ये सब मम्मी ने भेजा है, आप सबके लिए ड्राई फ्रूट्स मिठाई और नए नए कपड़े भी है। बेटा वो सब तो ठीक से, पर इतने सारे नए कपड़े अगर रघु को पता लग गया ना तो पहले पुराने कपड़े सारे घर से बाहर निकालेगा, उसके बाद ही नए कपड़े घर में आ सकते हैं। पर क्यों? मैं बताऊंगी चोरी, ऐसा है हमारे देवर जी का ना कई साल पुराना नियम से पूरे घर में नए कपड़े आवेंगे और पुराने जावेंगे। इब जो कपड़े हमारे काम के नहीं उन्हें घर में धर के के फायदा ढूंढ रही हूँ, मुझे दिख नहीं रहे तुम। माँ आप लोग आ गए? मैं तो सवेरे से अपने कमरे में ही थी। और माँ जी मैं तो सुबह से नहा रहा हूँ। प्रज्ञा देखिए यो काला काला मुंह कर रखा है इस तेजा ने, यो तेरे माथे पे भी काला काला निशान हो रहा। यो किसी होली खेली तम दोनों ने जो होली का रंग इबता ही ना छूट रहा है? होली ना मस्ती का त्योहार है और इस दिन मैं किसी से भी नहीं डरता। कहते हैं ना बुरा ना मानो होली है। तेजी जी तेजी जी और पता है मुंबई में ना हम ग्रैंड वाली होली खेला करते थे। आपको पता है बरदान सर मैं ना लड़कियों को रंग वाली टंकी में डाल देता था। के बात है भाई, ये होली में ज्यादा गर्मी चढ़ी से लगे है, ज्यादा होली खेलना चाहे है तू? भाई साहब मैं तो बस यूं ही बुरा ना मानो बोलिए। मारी बहन को रंग लगावेगा तू? बहन? हाँ इब मैं खेलूंगा तेरे साथ होली, घनी जवानी चढ़ रही है ना तने। वो मेरी गलती ना है, वो ये है ना ये इसने मुझे चैलेंज दिया था। अरे यो महारानी कहाँ चली गई? अब मैंने मना किया था उसको कि अपनी जगह से हिलना मत, पर यो तो मरी को बात ही ना सुने। मामी जी उन्हें ना चाय पीने का मन कर रहा था तो उठ के झट चल दी, कहने लगी कि आप थोड़ी ना उन्हें चाय बना के दोगे। वैसे ना मामी जी मैंने एक बात नोटिस की है, ये ना आपकी कोई भी बात सीरियसली नहीं लेती है। सब पता है मारे को, यो जो भी काम करती है ना सिर्फ और सिर्फ अपने मन का करती है। अभी तो नई नई आई है, धीरे धीरे थारे को सब पता चल जाएगा कि क्या चलता है इसका। मने लगता है यो वाला ज्यादा अच्छा से। भाभी लेकिन वो कितना कितना हेवी और कितना सिंपल सा है ना। सिंपल मतलब? मतलब सादा है। एंड लुक एट दिस, दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो क्लासी, सो डेलिकेट। जिस भी कमरे में रहेगा ना उसकी शान ही अलग होगी। और फिर लकी भाई की पर्सनालिटी के साथ तो यही मैच करता है ना,
क्यों मामी जी, ठीक कह रही हो ना? मेरे हिसाब से इसकी सादगी में, इसकी सुंदरता से, और देखो ना अंदर भी कितनी जगह है सामान रखने की, और यो भी तो लक्की जी की पर्सनालिटी से बड़ा मिलता से, ताकतवर और बाहर की खूबसूरती का के है। एक दो साल बाद खत्म हो जाता है सब, है ना? अरे पैरों में फिरकी लगी है जो तीतरी की तरह पूरे घर में मंडराती रहती है, हा? और अपने सिर पे मुसीबत का पहाड़ लेके चलती है। कर दिया नुकसान, पड़ गए कलेजे में ठंडक। माफ कर देना। और मैंने क्या कहा था थारे से कि एक ही जगह पे बैठना, हिलना मत। फिर थारे को तुम्हारी बात समझना आती है, जो भी करना अपने मन की करना। भाई थारे को जो भी चाहिए, खाने को पीने को, जहां तू बैठेगी वहां मैं थारे को लाके दे दूंगी। पर भगवान के लिए इतनी कृपा कर मारे पे कि एक जगह जाके बैठ जा, हिलना डुलना बंद कर जब तक तू ठीक ना हो जाती। समझ गई कि फिर समझाऊं? तो जा अपने कमरे में जा, वहां जाके बिस्तर पे आराम कर, हिलना मत वहां से, जा। क्या हुआ करीना बहन जी, आपने कुछ चाहिए? भाभी आप ये टी शर्ट दान कर रही हैं? क्यों, आपको ये टी शर्ट पहननी से? भाभी आपको पता है ये टी शर्ट भाई के पास कहाँ से आई? मन ने सिर्फ इतना पता से कि ताऊ जी ने कहा जो कपड़े ना पहनते हो उसको नीचे ले जाओ दान के लिए शाम को। भाभी ये टी शर्ट मैंने भाई को गिफ्ट की थी, ये उनकी फेवरेट टी शर्ट है। अच्छा जी, मन ने तो वी से लक्की जी को कभी देखा ही ना से यो सब पहनते हुए, इसलिए मन ने सोचा कि आप ज्यादा सोचिए मत, ये टी शर्ट दान नहीं होंगी, प्लीज इन्हें अलमीरा में वापस रख दीजिए। ठीक से आए बड़ो बहू, तू इन कपड़ा न फिर अलमारी में धर रही है, इन्हें दान में दे दे। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, ये भाई की फेवरेट टी शर्ट है, जब वो वापस आएंगे और अपनी अलमारी में उन्हें फेवरेट टी-शर्ट्स नहीं मिलेंगी तो ठीक है, उनका गुस्सा झेल लीजिएगा। अच्छा तेरे भाई की संबंध में यो तो आता होगा कि ये सारे कपड़े अलमारी में पड़े पड़े सड़ रहे हैं, और मैंने कदे देखा भी ना वो पहनता हुआ इन्हें। देखिए नो फर्दर डिस्कशन, ये टी-शर्ट्स दान नहीं होंगी, और आप लोग प्लीज जिद मत कीजिए। ठीक से मैं जिद-विद कुछ ना कर रही हूं, पर दो ही काम होवेंगे, या तो इन कपड़ा ने लाखा पैरेगा और नहीं तो फिर दान में ही देने पड़ेंगे। हम बै मैंने कह दी बात, अच्छी लगती है ना तुझे, खा खा ले दूसरा भी ले, जा अंदर हाथ मुंह धो ले, जा जा शाबाश हाथ मुंह धो ले। हाँ इतना बड़ा बुरा सुना दिया आपने मने, मीठा बोलो त्योहार के दिन, और यो लो मारे हाथ से मीठा खा लो, लो ना हैप्पी होली, खा लो खा लो। आहा एक और माँ जी एक और ले लो ना, एक मारे लट्टू के नाम का, अरे यो कोमल के नाम का पायल दे करी तू, खाओ ना माँ जी, मारे नाम का ना खाओगी, एक और मारे नाम का माँ जी, बस बस ठीक से आज ना मैं कोई बात ना करूंगी, थारे को कोई रोक टोक ना करूंगी, जो थारा मन है तू कर। भांग का लड्डू खा के तो आपके मुंह की रेलगाड़ी बंद ही हो जाएगी माँ जी। माँ जी दो चार लड्डू में ये हाल हो गया के? क्या हो गया आपने? जब तो आपकी आवाज सुनने को मारे कान तरस गए, क्या हो गया? हे भगवान पायल, मन गई तेरी होली, हे भोलेनाथ इस बार बचा लो, माँ जी ने ठीक कर दो, आगे से मैं ऐसी कोई हरकत ना करूंगी, कोई खेल ना खेलूंगी। जमुना बहन
जमुना भाभी आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरा धीरे बात करो। वो के है ना ताई, कल से ही म्हारी माँ जी ने माता रानी का ध्यान लगाया हुआ है, ध्यान में बिल्कुल मगन। आप आइए दर्शन कीजिए, पर कृपा करके उनका ध्यान भंग न कीजिए। ए जमुना भाभी पे माता आई है। जय हो माता रानी की, जय हो। अच्छा देवी के दर्शन हो गए। अरे ओ पिंकी बाऊ, ए भरतो, ए उस पिंकी ने बुला ले, मने लगा सो गई दिखाई है महारानी। अरे माजी माजी, वो आ गए। लो आ गई पिंकी बाऊ। जी माजी, बोले ना। वहां के तू अपनी भैंस चरा रही थी हैं? ओ इतने सारे कपड़े तू तो बड़ी दानी सा अपने पहनने के लिए रख लिए या सारे दान कर देगी तू आज? हाँ माजी। ये कोमल बिटिया कित रहेगी भाई, लाखा के उसके कपड़े ही रह गए। अरे भरपाई जी, जा कोमल को बुला के ला। जी हाँ भाग के जा, बुला कर। बहुत देर हो गई। थैंक यू पिंकी जी, मेरे को नहीं पता था कि आपको हमारा दिया हुआ वैलेंटाइन डे का गिफ्ट इतना पसंद आएगा कि आप सारी चदरी दान में दे दो। सबके कपड़े आ गए तो बतेरे कपड़े हो जाएंगे। मेरे कपड़े दर्द। भाभी मैंने आपको मना किया था ना भाई के कपड़े देने को, आप फिर भी ले आई। बड़ो तो कोई भी बात क्यों नहीं माने है? हरे को कोई भी बात एक बात में समझ ना आती है। यो लक्की के कपड़े क्यों ले आई? अब क्यों बार बार उसे परेशान करती है, कुछ और ले आती। मालती कोमल बिटिया पर गुस्सा क्यों कर रही है? जब लाखा वो कपड़े पहनता ही नहीं है तो दान देने में क्या खराब, ये बता। मतलब क्या है बहू तेरा? साफ साफ बोल, कहानी क्यों सुना रही है? मैं कह रही हूँ कि ताऊ जी ने कहा था कि कपड़े इस्तेमाल करो या फिर दान कर दो, और मन ने पता है लक्की जी को यो सब टी शर्ट बहुत पसंद से, तो मन ने भाई की मदद के साथ इसको एक रजाई में बना दिया। जी आप। अरे बस एक मिनट पिंकी जी, आप बिना बड़ी बेचैन हो। देखिए जी खोलिए। कैसा लगा आपको हमारा तोहफा? अच्छा है ना? अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा है तोहफा, बहुत अच्छा लगा। पर राणा जी, इसकी की जरूरत थी आपको? तो मैं हमेशा ऐसे ही देखती हूँ, तो इसकी की जरूरत है? अरे रे रे रे, क्या है ना पिंकी जी, मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ तो आप मन्ने बड़ा मिस करते हैं, है ना जी, तो इसलिए मैंने ये बनवा दिया। अब ना जी, अगर मैं यहाँ नहीं भी रहूंगा ना तो आपको परेशान होने की जरूरत ना है, क्योंकि मैं हमेशा आपके पास हूं, है ना पिंकी जी?
लोगों की मुसीबत। लक्की जी आप आ गए। लक्की जी मेरी मदद कर दीजिए। मेरा कान में भी दर्द और मेरा हाथ भी अटक गया सर। अगर चीखना बंद करेगी तो खोलूंगा। लक्की जी सुनिए, वो होली के दिन जो भी कुछ हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ।